आप देख रहे हैं ये जी भारतीय टैंक जो है ना, काफ़ी ज़्यादा टैंक यहाँ पे कैप्चर किए गए थे जो कि जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में यादगार के तौर पर अभी भी पड़े हुए हैं। नाज़रीन, शहर शोहदाए चविंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। सितंबर 1965 में चविंडा के महाज पर जंग अजीम डोम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई। ये जंग 6 सितंबर से 22 सितंबर तक चविंडा के गिरदोनवा, चारवा, गुडगोर, चबारा में लड़ी गई। इंडियन आर्मी का मकसद लाहौर गुजरांवाला जीटी रोड तक पहुंचना और पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को तोड़ना था, लेकिन 21 सितंबर तक इंडियन आर्मी अपना ये मकसद हासिल ना कर सकी। जीटी रोड तो दूर की बात, दुश्मन चविंडा तक भी ना पहुँच सका। दुश्मन ने अपनी कुल जारहाना ताकत से शब खून मारा, मगर 3 गुना ज़्यादा ताकत के बावजूद उसे मुंह की खाना पड़ी। सियालकोट और चविंडा के बहादुर और नडर लोगों ने पाक फ़ौज के शाना बशाना सीसा पलाई हुई दीवार बनकर मकार दुश्मन के 600 टैंकों को निशाना इबरत बनाया और चविंडा के महाज को दुश्मन के टैंकों का कब्रस्तान बना दिया। चविंडा की जंग हमारे सपूतों की शजाअत, बहादुरी और अजमत की वो बेमिसाल दास्तान है जो कि 50 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के लिए तारीखी नमूने की हैसियत रखती है। चविंडा के बासियों ने पाक फ़ौज के साथ मिलकर अपने खून से ऐसी तारीख रकम की जो कि हमेशा सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी। यादगार चविंडा बनाने का मकसद पाक फ़ौज के बेलोस उबल वतन लोगों को खराज तहसीन पेश करना है। शोकर नाम की पहुँचे हैं ये यादगार शहदा पार्क चविंडा। यहाँ पर ये इंडिया का जो है ना ये जनाब छोड़ा गया 1965 की जंग का टैंक भी पड़ा हुआ है और आज सुबह आर्मी की परेड भी हुई थी यहाँ पर और आर्मी के दस्ते यहाँ पे आए थे जो है ना यहाँ पर शहदा को सलामी पेश करके सुबह गए हैं। यहाँ पर हमारे मोहतरम अदील भाई भी हमारे साथ आ गए हैं जी ब्लॉग में। तो जी नाजरीन, आज 6 सितंबर है और मैं मौजूद हूँ शहर शोहदाए चविंडा, द ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक। नाजरीन, शहर शोहदाए चविंडा को इंडियन टैंकों का कब्रिस्तान भी बोला जाता है। नाजरीन, शहर शोहदाए चविंडा तहसील पखरूर जिला सियालकोट में वाक़िया है। नाजरीन, चविंडा की अवाम ने जंगे 1965 की जंग में पाक फौज के शाना बशाना मिलकर अपने सीनों के साथ बम बांधकर इंडियन टैंकों के नीचे लेटे, इसीलिए चविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बोला जाता है। नाजरीन, मेरे पीछे खड़ा हुआ भारतीय टैंक इंडिया की शिकस्त की याद को ताज़ा कर रहा है। यादगार शहदा पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं, ये आपको व्यू दिखा रहे हैं। 1965 की जंग में जो जवान यहाँ पर शहीद हुए थे उनकी याद में यहाँ पर पार्क ये तामीर किया गया है और साथ ही जो है ना शहादा के मज़ारात भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, उसका भी विज़िट करवाते हैं अभी। और ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये जी भारतीय टैंक जो है ना, काफ़ी ज़्यादा टैंक यहाँ पे कैप्चर किए गए थे जो कि जिला सियालकोट के मुख्तलिफ इलाकों में यादगार के तौर पर अभी भी पड़े हुए हैं। शहादा पार्क के साथ ही यहाँ पर मदफन शहदा की मज़ारात हैं, तो अभी उनका भी थोड़ा आपको व्यू दिखाते हैं। तो ये यादगार शहदा पार्क है और बिल्कुल इसके साथ ही ये बहुत बड़ा चविंडा का कब्रिस्तान है और यहाँ पर 1965 के जो शहदा हैं उनके मज़ारात हैं यहाँ पर। तो नाज़रीन, अभी हम पहुंच चुके हैं 6 सितंबर 1965 के शहदा के मज़ारात में। यहाँ पर तकरीबन 10 के करीब जो है ना यहाँ पर कब्रें हैं और बेशतर कब्रों में जो है ना 3-3, 4-4 शहदा को जो है ना दफन किया गया था। जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी थी उनको जो है ना यहाँ पर बिस्तर का भी दफन किया गया था। और जंग के दौरान ये जगह जो है ना मैदान जंग थी और यहीं पर जो है ना इन शहदा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और यहीं पर अभी ये शहदा आराम फरमा हैं।
6 सितंबर 1965 के शहादा की याद में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। तो अभी जो है ना आपको मेले के मनाजर दिखाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है। आज भी बहुत आवाम यहाँ पे मेला देखने के लिए भी आई हुई है। मगरब का टाइम बिल्कुल करीब हो रहा है। मगरब तो पहले पहले बड़ा शो है, अगर तशरीफ ले आओ। अशवा में और बच्चों के लिए बिल्कुल ज्यादा जगह लाना इंतजाम है, साफ सुथरा माहौल है, साफ सुथरा प्रोग्राम देखें। बिल्कुल पहली मरतबा देखेंगे इस तरह का प्रोग्राम। अभी जब तस्वीर आओ, अभी जब तस्वीर आओ, शुरू का टाइम हो रहा है, मगर का टाइम बिल्कुल करीब हो रहा है। ये शो आपको दिखाते हैं जी, हमारा खुद का भी जो है ना ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा ही हम मौत का कुआ जो है ना देखने लगे, ठीक है। तो अभी आराम जो है और आपको दिखाएंगे यहाँ मौत का कुआ कैसे ये चलता है। हमारा खुद का भी जो है ना ये फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। तो मैं भी जो है ना पहली दफ़ा ये देखने लगा हूँ मौत का कुआ, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप भी देखें वीडियो। बड़ी कमाल दर्जे की फनकारी है यार इन बंदों की। मैंने पहली दफ़ा मौत का कुआं देखा है, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी जो है ना मौत का कुआं पसंद आया होगा। और बड़ी प्रैक्टिस के बाद जो है ना ये लोग ये काम करते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि बाइक पे हाथ छोड़ के बैठे हुए थे यार। देख के हैरानगी होती है कि बहुत आला दर्जे की बंदों की जो है ना ट्रेनिंग थी और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कि यकीन करें कि मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया हूँ। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना ये मौत का कुआं देखा, और आपको ये बंदों की जो है ना कारकर्दगी कैसी लगी, आपको इनकी फनकारी कैसी लगी, कमेंट करके हमको लाजमी बताइएगा। ये जी यहाँ पर जलेबियाँ निकल रही हैं, मेसू सारा कुछ जो है ना ये पहले की सौगात जनाब यहाँ पर तैयार हो रही हैं। बहुत गर्म यार, बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म मेसू जी निकल रहे थे, ये ले लिए हमने, कमाल है ना।
देखो ना बड़ा मजा आया यार। आ गया लगा लगा करूं।